हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। मुझे बहुत सारे पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चों को खाना चू करना, चबाना कैसे सिखाएं। हमारे बच्चे खाना चबाते नहीं हैं, सीधा निगल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि चबाना एक ऐसा प्रोसेस है जो एक बच्चे के लिए शुरू होता है एनीवेयर बिटवीन 9 से 12 महीने, और एक बच्चा इस प्रोसेस को मास्टर करता है अराउंड 2 to 3 ईयर्स। अब हमें लगता है कि चबाने के लिए बच्चे को दांतों की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम बच्चे के साथ चबाने की एक्टिविटी ही लेट शुरू करते हैं। हमें लगता है बच्चे के तो अभी दांत ही नहीं आए हैं जिससे वो चबाएगा, तो अभी उसको उस तरीके का खाना या उस तरीके की ट्रेनिंग देनी क्यों है। बट यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बच्चे के गम्स होते हैं, आप कभी बच्चे के गम्स को टच भी करके देखिएगा जब उनके दांत नहीं आए होते, तो उनके गम्स काफ़ी हार्ड होते हैं। तो उनके गम्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि अगर आप उन्हें सही टेक्सचर का फूड दें, सॉफ्ट फूड दें, तो वो अपने गम्स के थ्रू उस फूड को ब्रेक कर सकते हैं इनटू स्मॉलर साइजेस जिसको वो इजीली स्वॉलो कर सकें। और इसीलिए इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बच्चों को च्यूइंग सिखाने का सही टाइम है एनीवेयर बिटवीन 9 to 12 मंथ्स। इस टाइम पे जो मैं आपको टिप्स दूंगी, उन टिप्स को यूज़ करके आपको बच्चे को च्यूइंग एज एन एक्टिविटी सिखाना शुरू कर देना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनके दांत आए हैं या नहीं। तो अब बात करते हैं कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम गलत टाइम पे स्टार्ट करते हैं, यानी काफ़ी लेट स्टार्ट करते हैं, और गलत फूड्स के साथ स्टार्ट करते हैं। हमने जब स्टार्ट किया तो सीधा बच्चे को रोटी दे दी और सोचा कि अब बच्चा चबाना सीख जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। की यहाँ पे ये है कि हम सही टाइम पे सही टेक्सचर्स बच्चे को इंट्रोड्यूस करें जिससे बच्चा ये चबाने की एक्टिविटी सीखेगा। तो 6 से 8 महीने के बीच में टिपिकली आप बच्चे को प्यूरी फूड देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्यूरी दीजिए। बट एनीवेयर बिटवीन 8 से 10 महीने में आपको बच्चे को जो टेक्सचर है उसको चेंज कर देना है, थोड़ा सा मैश्ड फॉर्म में आपको बच्चे को खाना देना है। ये बच्चा टू बच्चा डिपेंड करता है, कोई बच्चा ये 8 महीने में कर लेता है, कोई बच्चा 9 महीना ले लेता है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। बट 8 से 10 महीने के बीच में आपको टेक्सचर को चेंज करना है। देखिए, जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यूरी फूड की आदत पड़ जाती है उनको सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है च्यूइंग में। अब आप ये कैसे कर सकते हैं, जब आप बच्चे को प्यूरी फूड देते हैं उसके साथ ही सेम फूड को आप मैश फॉर्म में भी बना लीजिए। तो उससे क्या होगा कि मान लीजिए कि आपने मैश फॉर्म ट्राई किया, काफ़ी सारे बच्चे उस फॉर्म को पसंद करते हैं और खा लेते हैं, बट काफ़ी सारे बच्चे नहीं भी खाते, तो आपको ऐसा नहीं है कि बच्चे को भूखा छोड़ देना है, आप उस टाइम पर उसको प्यूरी दीजिए, बट आप कंटिन्यूसली ट्राई करते रहिए। और कुछ फूड्स होते हैं जिनके साथ आप ये ट्राई कर सकते हैं जो बहुत इजीली बच्चे ले लेते हैं, जैसे कि खिचड़ी। खिचड़ी को आपको बिल्कुल पतली प्यूरी नहीं बनाना है, खिचड़ी को आप वैसे भी बनने के बाद थोड़ा मैश करोगे तो वो थोड़ा सा कोर्स रह जाती है जो बच्चा इजीली खा लेता है। इसके अलावा रोटी, रोटी आप 8 महीने के बाद बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बट आपको सूखी रोटी नहीं देनी है, आपको मेक श्योर करना है कि रोटी अच्छी तरह से किसी लिक्विड में डूबी हुई हो, जैसे कि आप दूध में रोटी को डुबो सकते हैं, आप करीज में डुबो सकते हैं, आप दाल में डुबो सकते हैं। ये करने से क्या होता है, रोटी इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि जब आप उसके छोटे छोटे पीसेस बच्चे को दोगे तो बच्चा उसे अपने मुँह में रखता है, वो चबाने का एक्शन करता है और उसके बाद उसे ब्रेक करके खा लेता है। अगला टिप मैं आपको ये दूंगी कि शुरू से जब आप बच्चे को प्यूरी फूड भी दे रहे हो तब से भी बच्चे को सिखाओ च्यूइंग का एक्शन। देखिए, ये सब जानते हैं कि बच्चे पेरेंट्स को मिमिक करते हैं, जब आप उनको खाना खिला रहे हो तो च्यूइंग का एक्शन उनके सामने लाउड एंड क्लियर कीजिए, इससे बच्चे को काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है। इनफैक्ट आप भी कुछ खाना उनके सामने खा के दिखाइए कि अभी मम्मा च्यू कर रही है, उसको एक वर्ड भी दीजिए ताकि बच्चे को पता चले कि च्यूइंग क्या होता है और गल्पिंग क्या होता है, तो वो डिफरेंस बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं। बट कॉन्स्टेंटली बच्चे को रिमाइंड कीजिए कि च्यू करो। तीसरा टिप है कि आप फिंगर फूड्स बच्चों को जरूर दीजिए। जब बच्चे कोई चीज़ अपने हाथ में पकड़ते हैं और खुद से उसको खाने का ट्राई करते हैं तो हमारी बॉडी की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, आप नोटिस करेंगे कि बच्चा उस चीज़ को जैसे ही काटता है तो बच्चा उसे अपने मुंह में रखता है। वो मुंह में इसलिए रखता है क्योंकि उसकी बॉडी का एक नेचुरल रिफ्लेक्स ऑन हो जाता है जहाँ पे उसके गम्स जो हैं उसको चबाने में हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ बच्चों के अंदर नेचुरली भी एज पार्ट ऑफ देयर डेवलपमेंट आती है, हमें उनको सिर्फ इनफ
अपॉर्चुनिटीज देनी है। तो सबसे सेफ फूड है बनाना। बनाना बच्चों को अच्छा भी लगता है, बनाना से कभी चोकिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सिमिलरली आप कोई भी वेजीज को लेके उनको अच्छी तरीके से स्टीम करके बच्चे को दे सकते हैं ताकि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। जैसे गाजर दे सकते हैं आप, पोटेटो फ्राइज बच्चे को दे सकते हैं, वो भी बच्चों को काफी अच्छा लगता है। तो ये सारे फूड पकड़ना आसान है, इनको बाइट करना आसान है क्योंकि इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, और फिर इनको चू करके बच्चे के लिए निगलना आसान है। इसी के साथ मैं आपको एक टिप और दूंगी कि जब आप बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो साथ में उनको कुछ खाना अपने सामने भी दे दीजिए जिसको वो खुद फीड करने की कोशिश करें, चाहे वो स्पून से ही करें चाहे पूरा मेस बन जाए। बट सेम लॉजिक जो मैंने आपको बोला, जब बच्चा खुद से अपने माउथ में कोई चीज डालेगा तो वो उसे अपने माउथ में रखेगा और उसका मुंह ही उसे सिखाएगा कि क्या रिफ्लेक्स ऑन होने से वो च्यूइंग कर सकता है। तो ये जो चीजें हैं इनका आपको बहुत ध्यान रखना है। आपके सही टाइम पे बच्चे के साथ करेंगे तो एज अ इंटरेस्ट बच्चा ये चीजें करेगा और उसकी च्यूइंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मेरा नेक्स्ट टिप ये होगा कि जैसे आप बच्चे की सॉलिड जर्नी स्टार्ट करते हैं साथ ही साथ उसकी जो दूध की क्वांटिटी है उसको कम करना शुरू कर दीजिए। देखिए दूध बिल्कुल लिक्विड फॉर्म होता है, बच्चे इतने टाइम से दूध पीते आ रहे हैं तो दूध की आदत छोड़ना मुश्किल होता है। बट जैसे जैसे बच्चों की मिल्क क्वांटिटी कम होगी उनका सॉलिड्स का एपेटाइट बढ़ता रहेगा एंड साथ ही साथ सॉलिड्स में डिफरेंट फॉर्म्स ट्राई करने का उनका एपेटाइट बढ़ेगा। जब वो डिफरेंट फॉर्म्स ट्राई करेंगे तो ऑटोमेटिकली थिंग्स लाइक चूइंग द फूड वो सीख जाएंगे विद द राइट टेक्सचर एट द राइट टाइम। मुझे याद है मैंने एक वीडियो किया था जहां पे मैंने 9 टू 10 मंथ बेबी के लिए फूड चार्ट, 11 टू 12 मंथ बेबी के लिए फूड चार्ट शेयर किया था, और वहां पे वन ऑफ द फूड आइटम्स मैंने मेंशन किया था सॉफ्ट पराठा। तो उसमें मुझे काफी लोगों ने क्वेश्चन किया था कि इतना छोटा बच्चा सॉफ्ट पराठा कैसे खा सकता है। वेल बिल्कुल खा सकता है अगर आप बच्चे को परांठे के बहुत छोटे छोटे पीसेस कर दें और जैसे मैंने आपको बताया था किसी लिक्विड में जैसे दही हो गया, दूध हो गया या फिर किसी करी में डिप करके बच्चे को खिलाएं तो इससे बच्चा आराम से ये खा सकता है। जैसे बच्चे च्यूइंग का एक्शन सीखेंगे ये खाने में उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट में वीडियो क्लोज करते हुए मैं यही बोलना चाहूंगी कि हर बच्चा अलग होता है। अगर आपका बच्चा एक सर्टन टाइम पे एक चीज नहीं कर पा रहा है तो दैट डजंट मीन कि आपके बच्चे की डेवलपमेंट सही नहीं हो रही है। यू जस्ट नीड टू कीप ट्राइंग, आज नहीं तो कल या विद इन सम पीरियड ऑफ टाइम आपका बच्चा ये एक्टिविटी भी पिक कर लेगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जस्ट डोंट गिव अप। तो आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। एज अ मदर यही चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की और यही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप कबीर की छोटे होते की जर्नी देखना चाहते हो जहाँ पे काफ़ी उसके खाते हुए के वीडियोस हैं और उसके एक्टिविटी वीडियोस हैं तो कबीर के चैनल को ज़रूर चेकआउट करो। ये कबीर के चैनल का लिंक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लविंग मॉमकॉम इंडिया। बाय बाय।